महाराष्ट्र में अब कोरोना के नए मरीजों को कोविड केयर सेंटर जाना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने होम आइसोलेशन की सुविधा को खत्म कर दिया है। दरअसल कई बार शिकायत मिल रही थी कि होम आइसोलेशन का पालन मरीज ठीक से नहीं कर रहे हैं। इस वजह से उनके घर वालों के साथ साथ आसपास के लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में बाकी लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए मरीजों को अब कोविड केयर सेंटर में रखने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि जो लोग पहले से होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें निकलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अब नए केस आएंगे उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत नहीं है, उन्हें कोविड केयर सेंटर में ही रहना होगा। महाराष्ट्र के उन जिलों में होम आइसोलेशन की सुविधा बंद कर दी गई है जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है। कोल्हापुर, सांगली, सतारा, यवतमाल, अमरावती, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अकोला, बुलढाणा, वासिम, भिंड, गढ़चिरौली, अहमदनगर, उस्मानाबाद जिले में होम आइसोलेशन बंद कर दिया गया है। हालांकि बीएमसी ने मुंबई में अभी होम आइसोलेशन की इजाजत नहीं दी है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि भले ही केस कम हो रहे हैं, लेकिन सावधानियां अभी बरतनी है। होम आइसोलेशन को खत्म करने का फैसला उस वक्त आया जब महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ गिर रहा है। अब अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर में दबाव कम है, इसी वजह से होम आइसोलेशन को खत्म करने अब नए मरीजों को कोविड केयर सेंटर में एडमिट करने का फैसला लिया गया है, जिससे उन पर ध्यान रखा जा सके और बाकी लोगों को संक्रमण का खतरा भी कम होगा। अभी तक महाराष्ट्र में उन कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत दी जा रही थी जो गंभीर नहीं थे और उनका ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर था। पहले महाराष्ट्र में 60 से 65 हजार तक नए केस आ रहे थे, जो अब घटकर 20 हजार तक पहुंच गए हैं। ऐसे में अब सरकार के पास बेड खाली है, इस वजह से होम आइसोलेशन को बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।